सब रिकॉर्डिंग में होंगे आवाज़
मुझे पता नहीं पर वो उसे मुकुट कहा जाता है। हम वो मोर का मुकुट होता है, मुकुट कहा जाता है। और I'm going to call
सवाल मोर के बाद बहुत हो गया
अच्छा मोर की आवाज को कहते क्या है उसकी जो ध्वनि होती है जो आवाज होती है उसको एक नाम दिया गया है केका ध्वनि जब हमने शाम में किसान पढ़ी दिमाग पर अंकित हो जाए।
ठीक है। तो बड़े मियाँ है वो उनका जो भाषण है उसका बड़े मियाँ है कौन सी दुकान जो बड़े मियाँ है उनकी पक्षी विक्रेता की पक्षी बेचने की दुकान है। उनकी दुकान पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। और आप बड़े मियाँ की क्या क्या विशेषताएं बताई जा रही है जरा आप साथ ही साथ नोट करते हैं ना, क्योंकि जब हम चरित्र चित्रण करते हैं ना तो यही सारी बातें काम आती है। तो इसमें पहले बड़े मियाँ और महादेवी पर पहले तो ये दो हैं जिनका चरित्र चित्रण आएगा। उसके बाद जैसे जैसे इस पाठ में नए नए पाठ देखे जाएंगे उनका चरित्र चित्रण और उनकी विशेषताएँ साथ ही साथ, ठीक
ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े भैया। सबसे पहले हम जब चरित्र चित्रण करते हैं, सबसे पहले हम जिस भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण कर रहे हैं उसकी उसका परिचय दें, ठीक है। तो बड़े मियाँ क्या है? पक्षी विक्रेता है। वो जब एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बोलते चले जाते हैं, तो उसको वैसे चलो नहीं देते। अब आगे पढ़ेंगे और विषय में क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे। मोर के बच्चे हैं क्या? बड़े भैया के माँ के संगे के अनुसरण करते हुए मेरे पीछे एक काल के छोटे से कीड़े तक हो गए। इंसान दूसरों के समान दो बच्चे बैठे थे। अनुसरण करना पूरा वाक्य अनुसरण करना क्या? इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय है। ये जो अंतिम पंक्ति पड़ी है ना कि पिंजरे के अंदर वो ऐसे लग रहे थे मानो कोई चित्र हो उसके अंदर वो लोग गड़े हुए मतलब बने हुए। हाँ अगर दूर से देखें तो ऐसा लग रहा था मानो एक चित्र है, क्योंकि उसमें जो पिंजरा था जगह बहुत कम थी, बिल्कुल
चित्र में वो दोनों मोर और मोनी अंकित किए गए बनाए गए। ठीक है, इसके आगे हम फल पढ़ेंगे। धन्यवाद।